आज जो जजमेंट आया कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के ऊपर, उस जजमेंट को मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं उस जजमेंट से, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये सस्पेंड करता है हमारे फंडामेंटल राइट का जो संविधान ने हमको दिया है, ये सस्पेंड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, कॉन्शियस स्पीच और एक्सप्रेशन को, ये सस्पेंड करता है जो हमारे संविधान में प्रीएम्बल दिया है उसको, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, बिलीफ दिखाया गया है। ये जजमेंट जो एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है हमारा, ये उसके अगेंस्ट है। हमारा मानना है कि हमारा एक एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन का कि हमको हिजाब पहनना चाहिए। अब आप देखिए, अगर दूसरे बच्चे हमारे सिख भाई टर्बन पहन के जा सकते हैं, हमारे हिंदू भाई हाथ में धागा बांध के जा सकते हैं, तब यूनिफॉर्मिटी का नहीं प्रॉब्लम आता है। अगर किसी लड़की ने हिजाब पहनी, हमारी माँ बहन बेटी ने, तो क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये डिस्क्रिमिनेशन भी वायलेशन है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा मानना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे। हमारी जो कर्नाटका की मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की टीम है, जो ऑलरेडी एक पिटिशनर थी इसमें, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और तमाम मुख्तलिफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। क्योंकि आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े। कितने स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर पढ़ती है, हमारी हिंदू बहनें पढ़ती है साथ में, तो इक्वालिटी होना चाहिए। आप तो एक तरफ बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आपने उसके सामने ये रख दिया शर्त, या तो आप एजुकेशन लो या तो आप हिजाब पहनो। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पे हिजाब हो, एक हाथ के अंदर संविधान हो, किताब हो, लैपटॉप हो, कलम हो, एक हाथ में कुरान हो, पढ़ लिख कर बड़ी बने, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। मगर इस तरह का बीजेपी और आरएसएस ने ये जो शोषा शुरू किया है, ये बहुत गलत है। ये तो संविधान को मानते ही नहीं है ना, इनका तो बस भारत की डाइवर्सिटी को मानना नहीं है इनको, तो इस तरह की बस ये चीजें लाके देश का माइंड भटकाते हैं। लेकिन हमको यकीन है कि हमको न्याय मिलेगा और हम इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। आज जो जजमेंट आया कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब के ऊपर, उस जजमेंट को मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं उस जजमेंट से, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये सस्पेंड करता है हमारे फंडामेंटल राइट का जो संविधान ने हमको दिया है, ये सस्पेंड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, कॉन्शियस स्पीच और एक्सप्रेशन को, ये सस्पेंड करता है जो हमारे संविधान में प्रीएम्बल दिया है उसको, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, बिलीफ दिखाया गया है। ये जजमेंट जो एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है हमारा, ये उसके अगेंस्ट है। हमारा मानना है कि हमारा एक एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन का कि हमको हिजाब पहनना चाहिए। अब आप देखिए, अगर दूसरे बच्चे हमारे सिख भाई टर्बन पहन के जा सकते हैं, हमारे हिंदू भाई हाथ में धागा बांध के जा सकते हैं, तब यूनिफॉर्मिटी का नहीं प्रॉब्लम आता है। अगर किसी लड़की ने हिजाब पहनी, हमारी माँ बहन बेटी ने, तो क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये डिस्क्रिमिनेशन भी वायलेशन है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा मानना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे। हमारी जो कर्नाटका की मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की टीम है, जो ऑलरेडी एक पिटिशनर थी इसमें, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और तमाम मुख्तलिफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। क्योंकि आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े। कितने स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर पढ़ती है, हमारी हिंदू बहनें पढ़ती है साथ में, तो इक्वालिटी होना चाहिए। आप तो एक तरफ बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आपने उसके सामने ये रख दिया शर्त, या तो आप एजुकेशन लो या तो आप हिजाब पहनो। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पे हिजाब हो, एक हाथ के अंदर संविधान हो, किताब हो, लैपटॉप हो, कलम हो, एक हाथ में कुरान हो, पढ़ लिख कर बड़ी बने, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। मगर इस तरह का बीजेपी और आरएसएस ने ये जो शोषा शुरू किया है, ये बहुत गलत है। ये तो संविधान को मानते ही नहीं है ना, इनका तो बस भारत की डाइवर्सिटी को मानना नहीं है इनको, तो इस तरह की बस ये चीजें लाके देश का माइंड भटकाते हैं। लेकिन हमको यकीन है कि हमको न्याय मिलेगा और हम इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह।